नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। स्वागत है आप सभी का बिहारी न्यूज में। सिविल सर्विस एग्जाम एक ऐसी परीक्षा जिसे हर कोई पास करना चाहता है। जब हम शुरू में कलम उठाते हैं तो ध्यान में एक चीज जरूर होती है कि वो लाल बत्ती हमें भी चाहिए। इसको पाना हर एक विद्यार्थी का लगभग सपना होता है। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से कई इसकी तैयारी कर रहे होंगे, कई इसकी तैयारी करना चाहते होंगे और कई ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ बाधाओं को तो पार किया होगा लेकिन कुछ में जाकर फंस जा रहे होंगे। उनकी इन्हीं बाधाओं को और उलझनों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ श्रेय आईएएस कोचिंग सेंटर के संस्थापक श्री दुर्गेश कुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका हम आज स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और सभी न्यूज़ बिहारी न्यूज़ के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सिविल सर्विस परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके प्रति लोगों के मन में धारणाओं की कमी नहीं होती है। कई धारणाएं होती हैं, कई समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं का निदान तो हम करेंगे ही। कई सवाल होंगे आपके भी और हमारे भी हैं, हम इनसे अब जानेंगे भी उनके जवाब और आपको जो भी समस्याएं होंगी उसके उलझनों को हम लगभग खत्म करने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में। तो पहला, तो सबसे पहला जो हमारा ये सवाल है वो है सिविल सर्विस परीक्षा की धारणा, मिथक। आखिर इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में मिथक ऐसी क्यों होती है कि ये काफ़ी टफ है, इसे पार नहीं किया जा सकता, हर कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगा कि ये धारणा उनके मन में होती क्यों है। आपने सही सवाल पूछा है तिवारी जी, क्योंकि सिविल सेवा हिंदुस्तान की एक सबसे बेहतरीन सेवा है, जहाँ पर पावर, प्रतिष्ठा, तकनीकें, सारी चीज़ें एक साथ चीज़ें होती है। दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन का जो सबसे बड़े कार्य क्षेत्र होते हैं ये सिविल सेवक लोग करते हैं और इसे भारत के प्रशासनिक सेवा का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है और इनके ही कारण जो है सो बेहतर और अस्थाई शासन प्रणाली बनी रहती है देश में। अब जहां इसके लिए लोगों के मन में धारणाएं हैं तो धारणाएं इस बात की होती है कि ये बहुत कठिन परीक्षाएं हैं, लेकिन अगर इसकी गहराइयों से देखेंगे, अगर इसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो अगर इसके नेचर को अगर हम समझ लें, इसके प्रकृति को अगर हम समझ लें, इसके सिलेबस के तरीके को समझें तो ये फिर एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक दृष्टिकोण लगता है। जनरली इसको हम लोग एक तैयारी की दृष्टि से देखते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं, ये एग्ज़ाम नहीं है। सिविल सेवा अपने आप को बनाने का एक तरीका है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं तो फिर हम उस सेवा को तुरंत निकाल लेते हैं। अगर हम उसकी उन पहलुओं को नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम उसमें फंसते चले जाते हैं, फिर हमें लंबा समय लग जाता है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का एग्ज़ाम होता नहीं है और हर प्रक्रिया में हमें अपने अंदर में एक अलग तरह के एटीट्यूड का निर्माण करना होता है और इसीलिए उस एटीट्यूड के निर्माण में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है अभ्यर्थियों के बीच, जो उनके अंदर में ये गलत धारणाएं क्रिएट कर देता है कि ये एक बहुत कठिन एग्ज़ाम है, हम इसको नहीं कर सकते। या ये अगर कोई विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उसे कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सामान्यतः तैयारी जो है, तैयारी एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। हम पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो बैठते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, और लेकिन तैयारी की जो प्रक्रिया होती है वो इंटर के बाद शुरू कर देना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के साथ लोग तैयारी इसका प्रारंभ करते हैं तो सामान्यतः बहुत कम उम्र में और ग्रेजुएशन के साथ सामान्य तरीके से उनकी तैयारी संभव हो जाती है। वैसे तैयारी ग्रेजुएशन के बाद भी प्रारंभ की जाती है लेकिन उस तैयारी में उनको फिर 2 से 3 साल का समय लग जाता है, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं। क्योंकि सामान्य रूप में अपने यहाँ होता क्या है समाज में कि ग्रेजुएशन के बाद समाज, अभिभावक, लोग, आसपास मित्र बंधु पूछने लगते हैं कि अभी तक क्या कर रहे हैं आप। ग्रेजुएशन में कम से कम ये पूछने का मौका लोगों को नहीं होता है। अगर वो योजनाबद्ध तरीके से अगर इसकी तैयारी साथ लेकर के वो करे
तो ग्रेजुएशन एक तरफ तैयार होता है, उसी के साथ यूपीएससी भी तैयार हो जाती है, जिससे कि बहुत कम उम्र में पहले चांस में दूसरे चांस में आप सफल हो जाते हैं। इसीलिए सही तैयारी का जो समय आजकल है वो है आपको इंटर के बाद। चूँकि आज लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, सोशल मीडिया ने, टेलीविजन्स ने, आप लोगों की न्यूज़ चैनल ने इन चीज़ों को इतना लोगों को जागरूक किया है, जिससे आज अभिभावक के साथ साथ अभ्यर्थी भी इस मामले में काफ़ी सजग हो गए हैं। इसलिए वो इंटर करने के बाद भी तैयारी में चले आते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं और पूरी डिसाइड के साथ तैयारी करते हैं। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है अपने आप को सुरक्षित रखने का कि हम अगर इंटर के बाद तैयारी शुरू कर दें तो। अच्छा, मान लीजिए मैं इसकी तैयारी शुरू करता हूँ, मान लीजिए, तो सामान्यतः कितना समय मुझे लगेगा एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रॉस करने में? देखिए, तैयारी में कितना समय लगेगा ये निर्भर करता है व्यक्ति की अपनी क्षमता पर, अभ्यर्थी की क्षमता पर। कोई व्यक्ति 2 घंटे पढ़ करके 1 घंटे का आउटपुट देता है, कोई व्यक्ति जो होता है वो 4 घंटे पढ़ करके 1 घंटे का आउटपुट देता है। इसकी तैयारी के लिए सामान्यतः स्मार्ट स्टडी चाहिए। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप जो है सो इतना देर बैठ गए तो आपकी सफलता हो जाएगी या आपने 2 साल पढ़ लिया तो सफलता हो जाएगी। आप अगर बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो वो मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना देर करते हैं या कितना दिन की है, चूँकि इस तैयारी में ये एक अहम चीज़ है कि आप कितने दिन से कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना जानते हैं, और उस जानने के लिए जो है सो हमें सही तरीके की ज़रूरत होती है, सही चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी सामान्य रूप से 6 से 7 घंटा अगर डेली पढ़े तो कम से कम उसको 1 साल में इसकी तैयारी हो जाएगी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, स्मार्ट स्टडी, ये है क्या स्मार्ट स्टडी? देखिए, स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी जो है ना, किसी भी कार्य को कुशलता से करने का एक तरीका है, किसी भी विषय को कुशलता से सोचने का एक नज़रिया है, और जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट को ले सकें, ये है स्मार्टनेस। कुछ लोग होते हैं कि अधिक अधिक से अधिक समय देने के बावजूद भी वो अच्छे आउटपुट नहीं देते। आपने कई बार ये बात सुना होगा कि कुछ अभ्यर्थी ने 5 साल से तैयारी किए, 2 बार मेंस दिए या इंटरव्यू दिए या उनको नहीं हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनके अपने जीवन काल में पीटी भी नहीं आती रहती है, जबकि वो खूब पढ़ते रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा गलती जो मेरा पीटी नहीं आ रहा है या मेंस नहीं आ रही है। तो वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम के तरीके के अकॉर्डिंग अपने आप को स्मार्ट नहीं बना रहे होते हैं। और अगर हम स्मार्ट अपने आप को नहीं बनाते हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तब तो हम पढ़ते रह जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, हो जाते हैं। अभी ढेर सारे जो है सो अपने यहाँ से ऐसे रिजल्ट सब है जिसमें आपको ग्रेजुएशन होने के तत्काल बाद उन लोगों को सफलता हुई है, अच्छी अच्छी सफलता हुई है, ऑफिसर्स बने हैं लोग, SDM बने हैं, DSP बने हैं। तो तैयारी के लिए आप किसी भी विषय को कितने दृष्टिकोण से देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, वो है आपका स्मार्टनेस। जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जब बात होती है, अगर कोई जाना चाहता है उसमें, तो सबसे पहले हम सुनते हैं उसके मुंह से एक शब्द UPSC, है ना, फिर हम बाद में सुनते हैं BPSC, ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, समान UPSC और BPSC समानतः दोनों ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं, दोनों ही सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ये दोनों आयोग हैं, संस्था हैं भारत सरकार की, एक बिहार सरकार। जैसे कि पूरे भारत में अखिल भारतीय सेवा के स्तर तक जो संस्थाएं हैं वो UPSC है, और हर प्रांत में भी जो है सो प्रांतीय सर्विस कमीशन होता है, और बिहार में होने के कारण इसे हम BPSC कहते हैं। सामान्यतः ये अंतर है। BPSC के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत जो है, BPSC के द्वारा बिहार के अंतर्गत जो है सो प्राइम सर्विस होता है, और UPSC के अंतर्गत ऑल इंडिया लेवल की प्राइम सर्विस उसमें होती है।
यूपीएससी से सामान्यतः जो एक हायर है वो है आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और बीपीएससी से जो लोग सामान्यतः बनते हैं उसमें बिहार प्रशासनिक सेवा है, बिहार पुलिस सेवा है, बिहार वित्त सेवा है। अब दोनों के जो तैयारी और सिलेबस है वो भी थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो बीपीएससी के प्रति, यूपीएससी के प्रति सामान्यतः लोगों की ये मन में धारणाएँ होती है कि वो एक बहुत दूर की चीज़ें होती हैं, जबकि अगर दोनों की सिलेबस, पढ़ने के तरीके और स्टाइल को अगर देखा जाए तो बिना अच्छे समझ का न तो बीपीएससी हो सकती है और न ही बिना अच्छे समझ की यूपीएससी हो सकती है। पढ़ना दोनों में होता है, लेकिन सामान्यतः हमारे अंदर में एक ये धारणा होती है कि चलो ये बीपीएससी का एग्जाम है तो हम थोड़ा सा इसको किसी भी तरीके से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मेन अंतर यही है। तो ये बेसिक दोनों में अंतर है, बाकी दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं और सारी चीज़ अलग अलग। तो इस सिलेबस के बारे में भी कुछ थोड़ा उस पर अपना बिंदु डालें कि सिलेबस क्या है दोनों का। तिवारी जी, सिलेबस के संबंधों में तो ये बड़ा सवाल आपने पूछा, चूँकि सिलेबस एक लंबी चीज़ें हैं। दोनों में जो समानता है, सबसे पहले कि दोनों ही तीन स्टेप में एग्जाम होता है, तीन दोनों में ही आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू होते हैं। पीटी जो यूपीएससी का होता है वो आपको 400 का होता है, जिसमें 200 जनरल स्टडीज होते हैं और 200 के सीसेट होते हैं। सीसेट वहाँ क्वालिफाइंग होता है, और जीएस जो होता है वो स्कोरिंग होता है। 200 नंबर के जो है सो जीएस होते हैं और 200 नंबर के सीसेट होते हैं। 200 नंबर जीएस के लिए जो है सो आपको 100 क्वेश्चन रहता है, और सीसेट में जो है सो आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 250 नंबर के होते हैं। आप पीटी जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में आ जाते हैं, फिर ठीक इसी तरह से बीपीएससी में पीटी जो होता है वो 150 नंबर का होता है, जो केवल जीएस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर होते हैं, ईच क्वेश्चन एक नंबर का होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है दोनों का, वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। यूपीएससी का जो मेंस होता है उसमें आपको 1000 का जीएस होता है, 250 के जो हैं सो निबंध होते हैं, और वैकल्पिक विषय जो होता है वो 500 नंबर का होता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त कंपलसरी पेपर होता है वो होता है हिंदी इंग्लिश, जो 300-300 का होता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है हिंदी इंग्लिश, इसको पास करना होता है। अगर आप ये पास नहीं करते हैं तो आपका जो है सो मेंस के जो कॉपी होते हैं सामान्यतः नहीं देखे जाते हैं, उसके रिजल्ट प्रवेश नहीं होते हैं। बीपीएससी में जब मेंस होता है तो वो जो मेंस होता है वो 900 का मेंस होता है, और उसमें जीएस जो होते हैं वो होते हैं 600 के और 300 के वैकल्पिक विषय होते हैं। कंपलसरी पेपर यहाँ 100 नंबर का होता है, जो आपको रैंक वाले नंबर में जुड़ता नहीं है, केवल पास करना होता है। मेंस को पास करने के बाद अब सामान्यतः दोनों में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मेंस में, अगर यूपीएससी में वहाँ पर अगर हमें 40-50% अगर नंबर आ जाए तो हम वहाँ मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम 55-60% तक नंबर हमारी आ जाए तो हम बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं। दोनों मेंस क्वालिफाई करने के बाद दोनों के इंटरव्यू में, दोनों इंटरव्यू होता है। यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं वो 275 नंबर का होता है, इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं होता है, वो आपको दोनों नंबर जुड़ता है, जुड़ करके नंबर बनता है। इसलिए वहाँ 1750 नंबर का हुआ था मेंस, तो वहाँ 1750 नंबर के मेंस और प्लस 275 नंबर के मेंस जुड़ करके टोटल 2025 नंबर के अंक के साथ आपका रैंक तैयार होता है। और यहाँ पर जो होता है वो होता है 900 का मेंस और प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू, ये दोनों मिलकर के 1020 का जो है सो आपका यहाँ पर मेन इंटरव्यू होता, टोटल एग्जाम होता है। अब यहाँ रैंक के लिए है, तो रैंक सामान्यतः जो होते हैं मार्क स्कोर पर निर्भर करता है कि आपका स्कोर कितना बड़ा है, किस रूप में है, और लेकिन सामान्य रूप में 50-55% पर यूपीएससी में अच्छे नंबर, अच्छे सिलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पर रैंक आ जाती है, और 65-70% नंबर पर बीपीएससी में भी अच्छा रैंक आ जाता है। यही दोनों का सिलेबस है, यही दोनों के सिलेबस का ये चीज़ें हैं। आपने जो अभी सिलेबस बताया उसमें था ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या, और जो चयन जब इसका हम करें ऑप्शनल सब्जेक्ट तो उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखें हम? देखिए सामान्यतः क्या, ये ऑप्शनल पेपर जो है ना, ये अभ्यर्थियों के विकल्प दिया जाता है, च्वाइस दिया जाता है
कि आप इन विषयों में से अपनी इच्छा के अनुसार चुन करके एक विषय को आप रखें, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में। यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर के लिए जो है सो आपको 500 नंबर डिसाइड किए गए हैं और बीपीएससी के लिए 300 नंबर का। अब यहाँ ऑप्शनल पेपर जो होता है वो सामान्यतः अभ्यर्थियों में बड़ा अलग तरह की धारणाएं होती है कि मैं इसको कैसे रखूं, क्या रखूं। ऑप्शनल पेपर को रखने के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम आप केवल जो एकेडमिक पेपर हमारा रहा है जिससे हमने ऑनर्स किया है या पीजी किया है मैं वही पेपर रखूं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये आपके च्वाइस पर निर्भर करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जब आप ऑप्शनल पेपर का चयन करते हैं तो उस चयन करने में दो तीन चीज़ों की बात हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि ऐसा पेपर जो थोड़ा स्कोरिंग हो, नंबर हो। दूसरा, जिसको हम आसानी से दूर आ सकें। तीसरा, कि ऑप्शनल पेपर ऐसा हो जिसका जीएस में कंट्रीब्यूशन भी हो, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी में जीएस का रोल बहुत बड़ा है और उसमें हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, बहुत सारा दृष्टिकोण हमें चाहिए। और उस लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ऐसे चीज़ों को ऑप्शनल पेपर के रूप में सिलेक्शन करें जो सामान्यतः हमें जीएस में मदद करें। इसके अलावा जो अभ्यर्थी का जो स्वयं का भी जो एक अभिरुचि होता है विषय के प्रति, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है ऑप्शनल पेपर के चयन करने में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ऑप्शनल पेपर का चयन अभ्यर्थियों को करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि जीएस का योगदान जो है सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि जीएस कोई छोटा सब्जेक्ट होता नहीं है, उसमें सभी विषय जुड़ जाते हैं, या इतिहास जुड़ जाता है, भूगोल जुड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ती चली जाती हैं और रोज़ नया जीएस का कहिए कि बनता ही रहता है। तो इसको अगर कवर करना हो जीएस को तो किस प्रकार से करे कोई विद्यार्थी? देखिए, आपने तो बहुत गूढ़ सवाल पूछ लिए हैं जीएस के प्रति। सामान्यतः इस तरह के सवाल लोग नहीं पूछा करते हैं। जीएस जो है सो एक विषय के रूप में ज़रूर है, लोग उसे विषय मानते हैं, जिसमें ढेर सारे विषय उसमें है, लेकिन जीएस जो है सो एक दृष्टिकोण है। किसी भी विषय को देखने का जो आपका नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो है जीएस। और इसी दृष्टिकोण के निर्माण के लिए ही यूपीएससी और बीपीएससी में जीएस का सिलेबस, जीएस का वैल्यूज इतना अधिक बढ़ा दिया गया है। अगर हम जीएस को विषय के रूप में अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर हमें लगेगा कि जीएस ढेर सारे विषयों का एक दस्तावेज है। लेकिन अगर हम एक दृष्टिकोण के रूप में अगर उसका डेवलप करें, दृष्टिकोण के रूप में अगर जीएस को देखें, तो फिर आपको लगेगा कि ये सामान्यतः प्रशासन और शासन और सामान्य जीवन जीने का एक तरीका है जीएस। इसलिए उस इंटर रिलेशन के साथ अगर उस दृष्टिकोण को हम विकसित करते हैं तो विषय हमें ऑटोमेटिक सहज हो जाता है, और फिर हम सभी विषय को आपस में इंटरलिंक करने लगते हैं और जीएस आसान हो जाता है और हमारे अंदर में वो एक प्रशासकीय जो व्यवहार कार्य क्षमता होता है उसका निर्माण कर देता है। इसीलिए जीएस का इतना महत्व है और यही इसकी विशेषता है। अच्छा, एक मेरा एक और सवाल ये है कि बिहार में खासकर हमने देखा है कि जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो पहले से एक धारणा बना के चलते हैं कि मुझे दिल्ली में जाकर तैयारी करनी है या अन्य कोई जगह, जैसे इलाहाबाद का भी नाम आता है इसमें, तो दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब जगहों पर तैयारी करने की बात करते हैं। तो पटना भी इसमें काफ़ी आगे निकला है, ऐसा नहीं है कि वो पीछे है, और यहाँ से बच्चे बिहार से सर्वाधिक सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है कि जगह के प्रति हमारे एक पूर्वाग्रह होती है। रिजल्ट जो होता है वो विद्यार्थी का होता है और वो कहीं से भी हो सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिल्ली जाएगा उन्हीं का होगा, जो पटना में तैयारी करेगा उनका नहीं होगा। लेकिन एक धारणा बन जाती है, एक हमारे अंदर विचार हो जाता है कि अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी करना है, चलो भाई दिल्ली चलते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि वहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बातें हैं, चीज़ें हैं। लेकिन आज के संदर्भों में ऐसा नहीं है। अब जितने भी मान लीजिए कि बाहर के लोग हैं, सब आपको पटना आ रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं। दूसरी बात, मीडिया और सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, जागरूकता हो गई है। तैयारी करने के लिए
तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी लोग तैयारी करते हैं और रिजल्ट देते हैं। जो दिल्ली कभी नहीं गए उनकी रिजल्ट होती है। लेकिन एक धारणा होता है, वो क्या हो जाए, वो अब है क्या वो? तो वो बेसिकली ये है कि वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाता हूँ। मैं तैयारी कर भी रहे होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जब वो पटना में या इलाहाबाद लोग में तैयारी करते हैं तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के साथ साथ वो और सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, जिसके कारण उनके अंदर में किसी एक एग्ज़ाम के प्रति जो डेडिकेशन और गुण है वो नहीं आ पाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए एक छोटा सा, कि अगर कोई आदमी को डॉक्टर बनना हो और वो स्क्रू ड्राइवर लेकर के घूमे तो वो क्या बनेगा? इंजीनियर। वो कभी बनेगा डॉक्टर? नहीं बनेगा। और जिसको इंजीनियर बनना हो और वो आला लेके घूमे तो वो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बस यही चीज होता है आपको पटना इलाहाबाद वगैरह सब में। ये कारण जो है सो लोग सोचते हैं कि वहाँ चले जाएं, क्योंकि वहाँ मास लेवल पर जो है सो भी रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। और ये एक पूर्वाग्रह, ऐसी आज कोई मिथक नहीं है कि आप पटना से तैयारी करते हैं तो रिजल्ट नहीं होता है। पटना से ढेर सारा रिजल्ट आजकल हो रहा है, ढेर सारे रिजल्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ एक धारणा है, रिजल्ट जगह से नहीं होती, रिजल्ट विद्यार्थी से होता है। तो आप कोचिंग संस्थान जो होते हैं उनका इसमें क्या रोल होता है, इस सिविल सर्विस एग्जाम को पास कराने में, विद्यार्थी को उसके सपनों को पूरा कराने में इस कोचिंग संस्थानों का क्या रोल कहा जाएगा? बिल्कुल, देखिए कुछ चीज ज्ञान जो होता है, अनुभव जो चीज़ें होती है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कि या तो आप प्रत्यक्ष खुद सीख करके करिए तो उसको करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। संस्था जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक प्रोफेशनली आपको उस एग्ज़ाम के प्रति आपको ट्रेन करता है। जैसे किसी भी प्रशिक्षित संस्था का जो योगदान होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं, डॉक्टर अपना ट्रेनिंग लेते हैं, मान लीजिए पढ़ाई अलग चीज़ होती है, ट्रेनिंग अलग चीज़ होती है, तो तैयारी जो होता है ना वो एक ट्रेंड होना है, वो स्किल्ड होने की चीज़ें होती है। तो संस्था जो होता है ना उनको वो कम समय में स्किल्ड बनाकर उनकी सफलता की दर को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर संस्था चले जाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। संस्था केवल आपको उस अपने प्रोफेशनलिज्म से, अपने चीज़ों से, अपने टेक्निकल अप्रोच से आपको वो बता देता है कि आपको क्या नहीं करना है जिससे कि आप असफल हो रहे हैं। ये संस्था की भूमिका होती है। जैसा कि अभी तक की हवाएं हैं या कहिए कि बाहर की धारणाएं हैं कि तेज तरार बच्चे ही परीक्षा निकालते हैं, ये आपने सभी बातों का खंडन किया है। लेकिन मान लीजिए जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं इंटर में, ग्रेजुएशन में, उनका क्या, वो किस तरह से तैयारी करें, या क्या उनको कोई दिक्कत होती है, किस प्रकार का दिक्कतें होती हैं? या बहुत लोग होते हैं जो कम मार्क्स आने के बाद हिम्मत तोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहला ये है कि कम नंबर या अधिक नंबर से पास करना कोई कमीशन की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। केवल आपको जो है सो सिंपल एक ग्रेजुएट होना है, चाहे वो नंबर किसी भी तरीके का हो, क्योंकि कमीशन चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, दोनों को अभ्यर्थियों की जांच करने का एक अपना तरीका है। उसमें जो लोग सफल होते हैं वही लोग ऑफिसर्स बनते हैं, वही लोग जो है सो प्रशासनिक सेवा में आते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि जो फर्स्ट क्लास होंगे या अच्छा पढ़ा होगा वही अच्छा करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, ज़रूरी इस बात की होती है कि कम नंबर के बावजूद भी उनमें एक जुझारूपन हो, जिज्ञासा हो, आगे पढ़ने और समर्पण हो, तो सिविल सर्विसेज थर्ड डिवीज़न से भी अगर ग्रेजुएशन हुआ हो तो वो टॉप कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और गांव में ही पढ़ना पड़ता है, शहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि पैसे की तंगी होती है, तो उन लोगों के, जैसे आप संस्थान से काफ़ी जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं, कई विद्यार्थी हैं जो आपके संपर्क से काफ़ी सफलता उन्होंने प्राप्त भी की, तो वो आपसे गाइड लेना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं इस क्षेत्र को लेकर, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए हमारी जो श्रेय आईएएस है संस्था, जो एक अच्छी संस्था है, मानक संस्था है, सफलता में हर दर बर दर जो है सो अपना अच्छा कर रहा है,
और संस्था का मोटो ही है कि बिहार के हर घर में एक ऑफिसर हो, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस ऑफिसर हो। इसके लिए संस्था बड़ा तरीके से काम करता है और सभी तक जो साधन विहीन लोग हैं उन तक भी संस्था पहुंचे, इसके लिए जो है सो संस्था काम करती है। जो लोग सक्षम आर्थिक रूप से नहीं हैं वो भी जो है सो आपको संस्था से जुड़ते हैं, उनके भी जो है सो ध्यान रखे गए हैं। और जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए जो है सो आपको डिस्टेंस कोर्स है जिससे लोग जुड़ते हैं और अपने संस्था के डिस्टेंस कोर्स से जो है सो पूरे ढेर सारा लोग पूरे बिहार के अलावा भी बहुत सारे राज्यों में जो है सो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था, ये सारा चीज़ें हैं। एक ही उद्देश्य है संस्था का कि हर घर में एक ऑफिसर बने, चाहे वो आईएएस बने या पीसीएस बने। बहुत ही बड़ा उद्देश्य है आपके संस्थान का और हम चाहेंगे कि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं और जो इसको पास करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो इनसे जुड़े और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो ये आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। एक ट्रेंडिंग सवाल है, आप ज़्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं मुझे लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो विद्यार्थियों को, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इससे कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो इसका सही इस्तेमाल भी करते हैं, तो बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के लिए इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए और इस पढ़ाई को पास करने के लिए या जो तैयारी सिविल सर्विस कम कर रहे हैं उसको पास करने के लिए इसके मिसयूज से कैसे बचें? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मीडिया जो है सो सूचना संप्रेषण का माध्यम है जी। और सूचना जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में विश्लेषण का एक अवयव होता है। हम जिस तरह की सूचना ग्रहण करते हैं सामान्यतः उसी तरह का विश्लेषण हमारा मस्तिष्क करता है। अब तकनीक का योगदान होता है कि हम व्यक्ति के लाइफस्टाइल को, जीवन को, उनके कार्य प्रणालियों को सरल बनाए और प्रगतिशील बनाए। लेकिन आज जो अभी सोशल मीडिया का जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो अहम होते हुए भी थोड़ा सा भटकाव वाला भी होता है। इसीलिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए साधन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अगर हम इसका नकारात्मक यूज करें तो फिर ये हमारे लिए हथियार हो जाते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें, हथियार के रूप में नहीं करें, जिससे कि स्वयं का नुकसान ना हो और समाज का भी नुकसान ना हो। इससे हम अपने प्रगति को बढ़ाएं, अपने गतिशीलता को बढ़ाएं, जिससे स्वयं और समाज दोनों की गतिशीलता में वृद्धि हो। तो आज हमने सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर एक विद्यार्थी के मन में आम सवाल क्या होता है उसे समाप्त करने के लिए श्रेय आईएएस कोचिंग के संस्थापक दुर्गेश सर से बात की। हम ये आशा करते हैं कि लगभग सवालों के निवारण इन्होंने किए होंगे। कई ऐसे सवाल होंगे आपके मन में जो अभी भी बचे होंगे, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, फिर ये हमारे कार्यक्रम में आगे भी जुड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं सर से कि जिस तरह इन्होंने आज आपके लिए समय निकाला आगे भी निकालते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।